तनवीर ने जो कुछ किया वो वीडियो में मौजूद है, सारा कुछ सामने है। वो एक डिसिप्लिन्ड आदमी है, उसकी परवरिश एक अच्छे माहौल में हुई है, जहां झूठ नहीं बोला जाता है, जहां रिश्वत नहीं ली जाती है, जहां लोगों के कपड़े नहीं फाड़े जाते हैं, जहां कोविड के दौरान 1000 रुपया लेकर गाड़ियां पुल से पार नहीं करवाई जाती है, जहां FIR काटने के लिए SHO को 1000 रुपया नहीं देना पड़ता है, मुहर्रम को पिंसलों का डब्बा और कागजों का जो है वो दस्ता नहीं लेके देना पड़ता है, वो वहां से आया हुआ है। वो तुम लोगों की तरह आराम नहीं खाता है। तुम लोगों को तो ये बुनियादी इंसानी मसले का ही पता नहीं है, इंसानी इखलाकियात का पता नहीं है। जब हमारी कौम मुश्किल में पड़ती है, जब जलजला आता है, जब कोई तूफान आता है, जब कोई बीमारी आती है, तो तुम लोगों की जेबें काटने लगते हो। तुम क्या लोगों को इखलाकियात और कानून का दर्द दोगे? तुम्हें तो शर्म से इन चौकों में खड़ा नहीं होना चाहिए। किसी चोर को, किसी जेबकुतरे को, किसी राशि को ना हमारा मजहब इज्जत की निगाह से देखता है, ना इखलाकियात इज्जत की निगाह से देखती है, ना कोई माशरा इज्जत की निगाह से देखता है। बेइज्जत और बेवकार लोग हैं ये सारे, कि जो तनवीर के खिलाफ उसको यहाँ घसीटने के लिए आए, उसने अब परचम उतार के इज्जत से रखा हुआ। मैं ये चाहता हूँ।